यूट्यूब चैनल मेकर क्यून, मैं हूँ प्रियंका और मैं आज रिव्यू देने वाली हूँ ब्लीच का, कि आप ब्लीच को किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी ब्लीच के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप आगे देखेंगे, और ब्लीच को किस तरीके से आप लगा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी मेथड है ब्लीच करने का। मैं जो आगे बताऊँगी वीडियो में, मैं आपको बताऊँगी कि आप घर में बैठे कर किस तरीके से आप ब्लीच कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है ब्लीच करने का, बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको पार्लर जाके ढेर सारे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर में भी इसे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और आपको किस तरीके की ब्लीच यूज़ करनी चाहिए और सबसे अच्छी ब्लीच आप लोगों के लिए कौन सी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो पे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जल्दी से जाइए और रेड बटन को दबा के काला कर दीजिए और वीडियो पर बने। मैं बात कर रही थी इस स्ट्रॉबेरी ब्लीच की, जो कि बहुत ही अच्छी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो VLCC की एक और ब्लीच आती है गोल्ड ब्लीच, जो भी बहुत अच्छी है, आप वो भी परचेज़ करके वो भी यूज़ कर सकते हैं और घर में ब्लीच कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, मैं आपको बताऊंगी आगे। और ये स्ट्रॉबेरी ब्लीच बहुत ही अच्छी है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की पैकेजिंग में ये मिल रही है स्ट्रॉबेरी ब्लीच, इधर की साइड में, इस साइड में इसमें साइड में इसकी एक्सपायर डेट, MRP और कितना ML ये है प्रोडक्ट, उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। एक साइड में इसका पूरा मेथड दिया गया है कि आप ब्लीच को किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, आप इसे पढ़ के भी ब्लीच कर सकते हैं और मैं बताऊंगी उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो पीछे इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और आप ब्लीच किस तरीके से कर सकते हैं वो भी दिया हुआ है, तो अब हम इसे खोल के देखते हैं। और इसे लगाने के लिए इसमें एक स्पून दिया हुआ है और एक्टिवेटर दिया गया है, और जो आपको क्रीम यूज़ करनी है वो क्रीम दी हुई है। ये आपको मार्केट में 60 रुपीज़ में ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके की क्रीम आपको ये मिलेगी और एक्टिवेटर मिल रहा है और ये स्पून मिल रही है, इसकी मदद से आप अपने घर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसे किस तरीके से लगाना है। बहुत ईजी तरीका है, आप घर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बाहर जाके पार्लर जाके, किसी के पास टाइम हो ना हो, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर किसी के पास टाइम हो और पार्लर जाके ये सब कराए। जब आपके पास टाइम नहीं है और आप घर में ही करना चाहें तब इसे यूज़ कर सकते हैं, और पार्लर जाने का टाइम है तो आप जाके वहाँ भी इसे करवा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। इस तरीके से आपको एक साफ बाउल लेना है जो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि जब आप ब्लीच कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लीच आपको फेशियल के पहले ही करना होता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप ब्लीच करने जा रहे हैं तो आपने स्क्रब वगैरह या फेशियल जो भी है वो आप इसके बाद में ही यूज़ करें। कभी भी आपको फेशियल या स्क्रब करने से पहले, करने के पहले फेशियल करके या स्क्रब करके आपको ब्लीच नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको ब्लीच नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपको ब्लीच करने के बाद में ये सब चीज़ें करनी है, कभी भी फेशियल को ब्लीच से पहले ना करें, क्योंकि इससे आपकी स्किन की वाट लग जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आपको क्या करना है। तो हम अपनी क्रीम को इसमें डालेंगे, आपको जितना यूज़ करना हो उतना ही लीजिए, एक्स्ट्रा मत लीजिए कि आप सोचें अगर बच जाए तो हम बाद में यूज़ कर लें। कभी भी इसमें बचने के बाद में इसका यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जितना यूज़ करना हो उतना ही लें। इतना ही लूँगी मैं, जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही लें, एक्स्ट्रा नहीं लें।
अब हम इसमें एक्टिवेटर मिलाएंगे, एक्टिवेटर मिलाएंगे। आपको एक्टिवेटर गोल्ड ब्लीच में हमेशा इस तरीके का येलो कलर का एक्टिवेटर मिलेगा। और अगर आप दूसरी कोई ब्लीच ले रहे हैं, फ्रूट वगैरह की ब्लीच ले रहे हैं, तो उसमें आपको एक्टिवेटर या तो लाइट ब्लू या वाइट मिलेगा। और जब भी गोल्ड ब्लीच लेंगे तो आपको येलो कलर का एक्टिवेटर मिलेगा। अब हमें एक्टिवेटर किस हिसाब से लेना है, आगे के हिसाब से हम आपने ब्लीच लिया है तो पीछे के साइड से हम एक्टिवेटर लेंगे। बस इस तरीके से आपको, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको ज़्यादा एक्टिवेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को जला सकता है। तो आपको एक्टिवेटर थोड़ा ही लेना है। पीछे की साइड, आगे के हिसाब से आपको क्रीम लेनी है, पीछे की साइड से आपको बिल्कुल थोड़ा आपको एक्टिवेटर का यूज़ करना चाहिए, ओनली पीछे की साइड 1 स्पून। अब आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब उसके बाद में हम अपना ब्लीच यूज़ करेंगे, अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो देख, बने रहिए, देखिए इस तरीके से आपको ब्लीच को पूरे को हिलाना है अच्छे से और अपने फेस पे अप्लाई करना है इस तरीके से। ज़्यादा थिक लेयर का यूज़ आपको नहीं करना है, ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी है आईज़ और नोज़ एरिया के आसपास आपको इसको लगाना है। बट ये ध्यान रहे कि आपकी आईज़ के आस अंदर ना जा पाए, आपकी आईलैशेस और आईज़ से इसको बचा के रखना है। माई ब्लीच सूख चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हमें इसको उतारना है तो हम उतारते हैं इसको। अब अच्छे
नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। तो मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर आप तरीके से आप घर बैठे ब्लीच कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका होता है। आपके पास टाइम ना हो अगर पार्लर जाने का, तो आप घर बैठे भी ब्लीच कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके से आप ब्लीच कर सकते हैं और अपनी स्किन में ग्लो पा सकते हैं। थैंक यू।